वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ब्राउसरिक। तो आज मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ कि आखिर सीएसएस बॉक्स मॉडल होता क्या है और उसकी जरूरत कब पड़ती है जब आप एक नॉर्मल सा वेब पेज बनाते हो एक अपने वेबसाइट के लिए। तो जैसे हो गया पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये सब की अंडरस्टैंडिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ऑल यू हैव टू डू इज वॉच द वीडियो टिल द एंड। So, इधर I've opened a paint 3D, just a paint tool to explain कि आखिर ये डब्बे में डब्बा है क्या। तो सबसे पहले कंटेंट आता है जिसमें आपका सारा टेक्स्ट वगैरह सारे डिस्प्ले होंगे। उसके बाद जो आता है वो रहता है पैडिंग। पैडिंग यूजुअली ट्रांसपेरेंट ही रहता है, यूजुअली क्या, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है। वो डिसाइड करता है कि आपका कंटेंट कितने पिक्सल्स या परसेंटेज दूरी बनाए रखे बॉर्डर से। तो आई विल मेक अ अगेन अ बॉक्स जो रहता है बॉर्डर। बॉर्डर का थिकनेस वगैरह सब आप डिसाइड करते हैं, वो इक्वल रहता है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ तो लग रहा है लेकिन मैं आपको कोड करके बताऊंगी कि कैसे करते हैं। और फिर आखिर में जो सबसे बड़ा डब्बा रहता है वो रहता है मार्जिन। ये भी ट्रांसपेरेंट रहता है, ये एक्चुअली आपका वेब पेज रहता है, द बॉर्डर ऑफ योर वेब पेज। तो ये मेन फोर एलिमेंट्स ऑफ द सीएसएस बॉक्स मॉडल, दैट इज द कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। एंड रिमेंबर कि पैडिंग और मार्जिन हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है। सो लेट्स गो विद द कोड। यहाँ पर मैंने पहले से कोड लिख के रखा है टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सीएसएस बॉक्स मॉडल। सो यहाँ पर मैंने एक box.css फाइल अटैच की है एंड आई हैव यूज्ड अ div टैग जिसके अंदर डिफरेंट हेडर टैग्स है जस्ट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट आखिर वो कंटेंट कैसे दिखता है। सो दिस इज द बेसिक एलिमेंट्स दैट आई हैव यूज्ड। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है div पार्ट, जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करना है हाइट और विड्थ क्या है, क्या इसका काम है। ये बेसिकली आपको कंटेंट शो करेगा, राइट। हाइट भी आपका कंटेंट का ही पार्ट है और जो पैडिंग है वो पैडिंग दिखाएगा, बॉर्डर एंड मार्जिन ये तो वही काम दिखाएगा। एंड बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको बॉक्स मॉडल और बैकग्राउंड में थोड़ा डिफरेंस कैसे दिखाई, कैसे नजर आती है वो बताऊंगी। सो लेट्स गो एंड चेक ऑन द वेब ब्राउजर। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया था बेस्क वो दिख रहा है और ये रहा हमारा बॉक्स मॉडल। नाउ इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाए तो एक और तरीका जहां अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आखिर कंटेंट, पैडिंग और ये बॉर्डर मार्जिन कैसे समझना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट विद द कंटेंट। ये रहा हमारा कंटेंट, राइट, जो हमने डिफरेंट हेडर टैग्स यूज करके दिखाया एंड इसका विड्थ और हाइट हमने डिफाइन किया था। तो अगर आप बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं ये कैसे बढ़ रहा है, इसका विड्थ एंड हाइट। और ये रहा हमारा पैडिंग, जो आपको ग्रीन एरिया में नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर वो हमारी पैडिंग है। वो बेसिकली डिसाइड करता है कि हमारे बॉर्डर से वो कितना दूर हमारा कंटेंट दिखना चाहिए। सो हमने डिफाइन किया है यहाँ पर 15 पिक्सल्स। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। सो यू कैन सी द डिफरेंस वेरी क्लियरली ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स गो विद द बॉर्डर। ये है हमारा बॉर्डर जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है, हमने डिफाइन किया ब्लैक कलर, आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं एंड इसको आप साइज भी पिक्सल्स दे सकते हैं। सो आप देख रहे हैं इफ वी गो इन माइनस द बॉर्डर इज नॉट शोइंग एंड दिस इज द मार्जिन। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्जिन लाइक मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिफॉल्ट रहता है वो रहता है मार्जिन टॉप। तो इसको भी अगर आप साइज डिफर करेंगे तो ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है बट ये साइड में मूव नहीं करेगा बिकॉज यू हैव टू यूज मार्जिन लेफ्ट फॉर दैट। सो आई थिंक दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सीएसएस बॉक्स मॉडल
आई होप इट क्लियर्स योर डाउट रिगार्डिंग द CSS बॉक्स मॉडल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू इट. थैंक्स अ लॉट.